हमारी दो कुर्सियाँ भी पीछे खड़ी हैं और ये हमारा सारा ग्रुप जनाब कुछ थोड़े गाड़ियों में भी बैठ गए और हम सब लोग जनाब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। रोमियो जनाब हमारे साथ, सारे दोस्त हमारे लिया खड़ी हैं, ये सब दोस्त सबको मैंने कहा आपको दिखा दूँ ज़रा सा। जी सुल्तान साहब, ये जी मेरा नदीम ट्रिप लेके आया है और आज मज़े की बात यह नदीम की बर्थडे भी है तो हम सब नदीम को हैप्पी बर्थडे। सब दोस्त इकट्ठे हैं और मैंने ये शॉट इसलिए ले लिया कि इसके बाद फिर शाम हो जाएगी तो फिर अंधेरे में जो है रिकॉर्डिंग का बड़ा इशू हो जाता है। तो आप देखें जनाब और ये सामने मैं आपको खूबसूरत सा एक मंजर भी दिखा दूं। ये जो चादरें लगी हुई हैं ये यहाँ पर लोग सेल करते हैं। तो चले फिर यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, गाड़ियों में बैठते हैं और फिर आगे आपको वीडियो दिखाते हैं। फ्रेंड्स, पंजाबी में कहते हैं सर्दी नाल कुकड़ भी कुकड़ होए ने, तो आज आपको मैं दिखाऊं नथिया गली की सर्दी कि ये सर्दी की वजह से देसी कुकड़ भी बिल्कुल कुकड़ हुए हुए हैं। ये फ्रेंड्स मगरब की अजान का टाइम हो गया, रास्ते में एक गाड़ी का थोड़ा सा इशू हो गया था तो जिसकी वजह से फिर ज़रा सा लेट हो गए। तो अभी ये जनाब मेन अयूबिया का जो बाज़ार स्टार्ट होता है इसके अंदर खड़े हैं और यहाँ जनाब हमने ये गाड़ियाँ हमारी दोनों आ गई हैं और पीछे वाली गाड़ी का कोई गियर का प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से फिर थोड़ा लेट हो गए, स्टे लंबा हो गया। ये फ्रेंड्स अब अयूबिया बाज़ार के अंदर पहुंच गए हैं और ये पीछे मेरे आप व्यू देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं और ये मैं आपको ज़रा सा दिखा दूँ ये सारा बाज़ार का मंजर। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और अब हम कोट पहन कर आ गए थे अयूबिया में, बहुत मज़े का मौसम है, ठंड पड़ रही और बर्फ़बारी ख़त्म हो चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर यहाँ के टू टी वी कोई शूटिंग रखे तो कैसी लगे? क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ शूटिंग क्या, मूवी रख के मूवी की शूटिंग और फिर बहुत मज़ा आने वाला है, इंजॉय करें, सारे सॉन्ग इधर ही करें। हाँ के बगैर मज़ा आएगा जी इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, चले फिर थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, ज़रा सा देखते हैं बाज़ार को। ये मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी सी केटू टीवी की और रेडियो थिएटर फिल्म की आर्टिस्ट हैं और इनका तारुफ आप फिल्म में पहले मेरी वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो को ज़रा पीछे जाए किसी पिछले पोर्शन में इसी में लाइन के आ गई ना पहले चादर पहन के। लेकिन आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते हैं ना जी, दूर से पहचाने जाते हैं। तो उधर इधर ऊपर की तरफ से चले, ये जनाब मैं ज़रा सा व्यूअर्स को व्यू भी दिखा दूँ जी। ये देखें जनाब यहाँ दो रास्ते हैं, एक ये नीचे की तरफ जा रहा है और एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं और हमारी आर्टिस्ट इधर ऊपर की तरफ जाएंगे।
मैं यहाँ पर आई थी बचपन और अब इतनी बड़ी हो के छोटी थी आप छोटी हैं, इतनी बड़ी तो नहीं होगी, 10 साल पहले आई होंगी। नहीं ना, बहुत छोटी थी तो तब आई थी, 7 साल की थी तो आई थी। देखे जी, पठान कितने सादे होते हैं, अपनी एज खुद बता रही हैं। हाँ, छोटी थी तो आई थी, नहीं हूँ ना इसलिए इतनी बड़ी हो। आर्टिस्ट अक्सर हमेशा ये कहते हैं ना कि मैं तो अभी छोटी सी हूँ। हाँ, लेकिन वो कैमरे में दिख जाता है ना बंदा कि छोटा है या बड़ा है। ये जी देखे, बड़ी प्यारा सा बाजार, छोटी छोटी शॉप्स भी है यहाँ पे, ये छोटे छोटे यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह। बताइएगा, हमारी K2 TV की आर्टिस्ट जनाब और कुछ शॉपिंग कर रही है, और अब आपने बताना है कौन सी कैप इनके साथ अच्छी लगेगी। पिंक कलर थी ना, और मेरे ख्याल में वो पिंक, ये भी अच्छी लग रही है। तो राव साहब से पूछते हैं, राव साहब सर जरा इधर आए ना। मैम को ये कोई कैब खरीदना चाह रही है, तो आप बताएं कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है, इन पे तमाम कलर शूट कर रहे हैं जबरदस्त। ये देखें, ये बहुत से बेस्ट कलर हैं। राव साहब को राय वर के ना चे सही सुधी फुल ब्लैक, कौन से अच्छी फुल ब्लैक, तो मैं मिरर में खुद देखूंगी तो फिर मुझे आइडिया होगा। वो अंदर जाएं फिर, बिल्कुल भी अच्छा है। हाँ, ये तो दिखाएं जी जरा जी, कलर तो तमाम नहीं, उसमें ब्लैक नहीं हो। जनाब हमारे सीनियर राव साहब, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, अभी हम यूपी आए हुए हैं और यहाँ पे अभी हम, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए अभी कैप्स देख रहे हैं, कोई ग्लव्स वगैरह देख रहे हैं और सॉक्स वगैरह देख रहे हैं, ताकि सर्दी से बचा जा सके, क्योंकि जितनी सर्दी है। और ये यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ किस्म की कैप्स हैं, ये फीमेल्स हैं, ये जेंट्स वाली दिखाई दी। कैसा लग रहा हूँ बाबा जी, कैसा लग रहा हूँ? आप जो है ना फिरौन ही लग रहे हैं वैसे इसके साथ। सही बात है, वो यही करते हैं, वही काम करते हैं। थैंक यू, वेलकम सर। हमारी सारी टीम जी अब बाजार में आ गया और ये घूम फिर रहे हैं, इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो आपको पता है हमारी आर्टिस्ट साथी हैं, तो उन्होंने कहा बाबा जी मेरी वीडियो ना बनी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, तो इस वजह से फिर उनको ज्यादा कवरेज दे रहे हैं थोड़ी सी। ये हमारे बड़े खास मेहमान जी जी, फुल एंजॉय कर रहे हैं, तारफ हुआ है सारे इनके साथ भी। अभी ये लोग जरा ऊपर जाएंगे जी, ऊपर चेयर लिफ्ट है जी, राव साहब क्या है जी बताएं ना, ऊपर चेयर लिफ्ट है जी, वो उसको एंजॉय करेंगे जरा, थोड़ा सा उधर जाके और मजे लेंगे, फिर आपको उधर जाके अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिप है और हमारे सारे साथी बहुत जबरदस्त है। बाबा जी बकरियां वाले तो माशाल्लाह, जरूर ज्वाइन करें लोगों को, इसलिए जी द्वारा भी इस लोग को ज्वाइन करें और अच्छा बता या जबरदस्त। ये जनाब हमारी साथी और आर्टिस्टों का यही खूबी होती है जी, गुल मिल जाते हैं, गपशप हम लोग लगाते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। पैसे वो अरजान वर का खास ग्रांड होना वाखला। तो ये जनाब अब सर्दी भी होती जाती है, मास्क भी आना शुरू हो गए हैं, कैप्स जिन्होंने नहीं ली थी वो कैप्स खरीद रहे हैं। सर्दियों के मुंह से धुआं निकल रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या ना जी है। मरी का आप लोग जरूर आए, और इस वक्त भाईजान नाम यूबिया में और चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मरी पीछे रह गया। जब आए और ये हमारी मैम के साथ छोटा सा शहजादा, क्यूट सा जी बेबी, ये मालिक प्याली सी बेटी जी, नाम बताए ना अपना ऊंचा ऊंचा जरा बताए ना, आयशा नाम बताए ना, बताए ना। अच्छा आप बता दें जी, फिर व्यूवर्स पूछते हैं, देखे बोलते इसका क्या नाम है, आयशा। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? पिंडी से। पिंडी से आए हैं, और आयशा के बाबा ने इजाजत दे दी कि इसको ले जाए सर्दी में। अच्छा एंजॉय कर रही हो कि नहीं? चलो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलो, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो ना पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो आप लोग आपको दे
देख रहे हैं और कहेंगे ये लड़की बोल नहीं सकती, बोलती है। बोलो। चल है जी व्यूअर्स, छोटी है, जरा शर्माती है। हाय। तो ये हमारे शहजादे जनाब, ये मॉडल्स हैं। इधर आओ, मॉडल इधर गए जी, बताएं ना। इधर आओ, इस सब शक्लें देखे, क्या शक्ल को है, ओरिजिनल शक्ल है। अच्छा हाथ लाए, किधर आए, आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, की बात है, पूरी हो गई। व्यूअर्स ये मुल्तान वाले, इनको ज्यादा खास कर ठंड लगती है, क्योंकि मैं खुद भी मुल्तान में पढ़ के आया हूं, इसलिए ना हमें पता है मुल्तान का सारा सिस्टम। इधर मतलब है साईं तू 17 में बादशाह ही हो। हां, एक दूसरे को जान दे। ये मानते है कि मुझे अपने घर है। मुल्तान का कौन कौन है? मुल्तान का और ये सुल्तान का। ये जी ये कुड़ी मड़ी ग्राई है जी, ने खुशी खान दी है, निकी भैन है। मैं भी दसा तुसा को आया है, इसको तो नहीं पता, सबको पता है। और भी बस आपने खुशी खान को मेरे इसी चैनल पे हमारे टीम के नादिया मैडम देखा होगा। मैम नादिया कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत और ये हमारी गुड़िया सबसे कंफर्म कर रही है, इसने चाय पानी रोटी सब कुछ कंफर्म किया, ये भी कंफर्म कर रही है कि जाए कंफर्म है और लिया है। ये हमारे कैमरा मैन है, आप भी आए ना बीच में। वेलकम जी, मुझे तो मेरी सीढ़ियां नरगस नाल मिल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है, साथ हो जाए इनके। लिया काम किया। What is your experience at this time in the UBA? I am so excited. Supposed to be we go by chairlift, but they say it's closed because of maintenance. But it's okay. The snow is still beautiful. But like to see chairlift. Yeah. I was dreaming before to try chairlift, but it's closed. Then what can we do? It's okay. So we have another reason to come here again. हमारे साथ ज़मीन पे भी चांद है और आसमान पे भी चांद है। क्या बात है? क्या बात है? ये मेरा शहजादा साहब भाई जी। और देखे एहसास जिसके दिल में होता है, इन्हें कहा बाबा जी सबकी वीडियो बना रहे हैं तो बाबा जी की मैं बना, आपकी भी आनी चाहिए बीच में। तो ये मेरा शहजादा जनाब, इसने बताया। और ये मुल्तानी जो है ये लगे हुए हैं दुकान के आगे खड़े हैं, खरीदो फरोख कोई नहीं करते, गप शप ही लगाते हैं। हाँ जी अमर सर, अमर पिंडी बॉय हमारा सुपरस्टार मॉडल जी, अमर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त लग रहा है जी। और अभी हम लोग जा रहे हैं नथिया गली से वापस आए हम लोग, और अभी हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है नदीम, इनकी बर्थडे, और हम केक देख रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा है। और अभी हम यूबीए जा रहे हैं चेयरलिफ्ट की तरफ। हाँ जी, और सब लोग जी इंजॉय कर रहे हैं, तो चले मेरा ख्याल है अब आगे भी बढ़े आहिस्ता आहिस्ता। जी जी, चले जी, आए जी, चलते हैं, क्योंकि चढ़ाई का सफर वैसे ही मुश्किल होता है, तो एक कुड़ी तो एवं भी पहाड़िया वे तो चढ़ जासी, इन आस्ते तो ढाके कुछ भी नहीं, लंघ जुल दिन पला पला ना, तो आम बंदे जो असि दो ये जनाब हमारी टीम, और टीम में जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर चढ़ते हैं। हाइट वाला इलाका जो है ये लोग जरा, हम तो पहाड़ों वाले हैं, औखा सोखा चढ़ ही जाते हैं, तो जो शहरों से लोग आते हैं जनाब ये देखें, ये मुल्तानी को भी साथ दुड़ा के चढ़ा लिया जी, जबरदस्त जी। जीत के इंग्लिश हार गई लुगाई, जीत के इंग्लिश हार गई लुगाई। तो अब थोड़ा थोड़ा व्यूअर्स चीजें पिलाए, ये थोड़ा लंगड़ा हो गया, टूट गई है, थोड़ा सा भी अब मैं चाहूंगा कि ले जी आप, हम जरा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिमके रिमके पंजाबी कहने चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ते इस वक्त गड्डियां 4x4 ते लगी हुई हैं, बिल्कुल चौथे गियर डबल गियर ला के 4x4 मजे मजे चढ़ रहे हैं। ते अमर साहब दा हुण सांस फूल गया जी, अमर साहब वैसे तो यंग बॉय बनते हैं लेकिन लंबे लंबे सांस ले रहे हैं फौजी रूल्स के तहत के ताकि सांस ना फूले। चले जी, फिर हम ऊपर आ गए जी, तो ये मेरे भाई ने एक अपनी शॉप है, इसने फौरन नाम बोला है, तो मैंने कहा चलो इसकी शॉप दिखा दे हमारे व्यूवर्स, जो भी लोग यहाँ हैं इनसे शॉपिंग जरूर करनी है जी। प्यारी शॉप, साथ आए जी मेरे जरा, ये मेरा भाई है, नाम बताएं अपना। मेहताब अहमद। मेहताब, शॉप का नाम भी बताएं। मेहताब गिफ्ट सेंटर। और जी मेहताब गिफ्ट सेंटर से आपने जरूर शॉपिंग करनी है। चले आगे बढ़ते हैं, दे रहा होता जा रहा है।
कुछ थोड़ा सा जबरदस्त मज़ेदार सा। और शाम हो गई है, अब कैमरे का कमाल ही है कि ये अंधेरे में भी हमारी मूवी बना रहा है, तो ये फिर इस मोबाइल का कमाल है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया, रात हो गई है। तो ये जनाब हम इस वक्त अयूबिया ऊपर आ गए हैं और यहाँ जब हम आपको कुछ व्यूज़ ज़रा फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। यहाँ पर जी सर्दी के हिसाब से जो है ना, जो शॉपिंग के लिए चीज़ें अवेलेबल है वो चॉकलेट्स है, अखरोट है, अखरोट वाला हलवा है, ये ग्लव्स है, ड्रेसेस है, और ये मेरा प्यारा सा भाई, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जनाब जी, ये हमारे यहाँ के मुकामी लोग होते हैं जी। आप बताएं जी, आप कब से शॉप कर रहे हैं यहाँ पे? 14 साल से सर। 14 साल हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे आने वाले लोगों को, आप से शॉपिंग करें या ना करें? अच्छी बात है, होनी चाहिए शॉपिंग सर, होनी चाहिए, आपका रिजक यही है जी, यहाँ ही कमाते हैं। तो ये जनाब इनके मैं ये आपको फ्रूट्स भी दिखा दूँ, ये इनकी शॉप का जनाब मैंने आपको दिखा दिया। तो आप लोग जब भी यूबिया आए तो हमारे इस प्यारे से भाई से ज़रूर शॉपिंग करनी है जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाते हैं। यहाँ पर वेदर के हिसाब से कॉफ़ी, चिप्स, पकौड़े, बर्गर, इस तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स भी दस्तियाब होती हैं। अब चूँकि रात हो गई है तो वीडियो थोड़ा सा हो जाती है, क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कम हो जाती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप ऊपर देख रहे हैं चेयर लिफ्ट, चेयर लिफ्ट 1.5 साल से बंद है, ठीक है, गिर नहीं जा रही, तो आने से पहले ये चीज़ लाजमी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे आधे ज़्यादा लोग चेयर लिफ्ट इन्जॉय करने आते हैं और ये बंद पड़ी है। जितने सियाह टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो बजाय यहाँ पे आने के पतराटा चेयर लिफ्ट जाएँ, वो चेयर लिफ्ट इससे बड़ी भी और वो चल रही है। अयूबिया चेयर लिफ्ट बंद है, क्लोज है, आपके सामने है ये, देखें जी 1.5 साल से बंद है ये भाई, क्योंकि यहाँ मकामी रोज़ाना इनका आना जाना होता है, तो ये चेयर लिफ्ट ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से कोरोना के बंद है, कोरोना के टाइम से लेकर। तो ये भी एक कैसा इसकी टूरिज्म पर कितना मनफी नेगेटिव असर पड़ता है कि फिर लोग यहाँ आते नहीं हैं। ये आप देखें, ये चेयर लिफ्ट की नीचे बेस है जी, यहाँ से स्टार्ट होती है, और कितनी बुरी बात है कि ये इसका रास्ता है नीचे जाने का, और इसके देखिए आप कचरे का वो पड़ा हुआ है डब्बा भी, और इसका मतलब है वाकई ये काफ़ी टाइम से बंद है। तो फिर यहाँ के लोगों का टूरिज़्म के हवाले से रोज़गार कैसे चलता होगा? तो इंतज़ामिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये KPK के अंडर आती है, तो इस चेयर लिफ्ट को जी जल्द अज जल्द बहाल करें और बाकायदा इसकी ऐड चलाएँ कि ये बहाल हो गई है, ताकि लोग यहाँ आएँ और चेयर लिफ्ट भी इंजॉय करें, अदरवाइज़ फिर बिज़नेस जो है ज़्यादा पत्रियाटा की तरफ जाएगा। और आजकल के दिन में इस मौसम में सर्दी में भी लोग स्नोफॉल देखने भी आते हैं। नचियागिर से आगे यूबिया में आया है, ये चेयर लिफ्ट का असल में शाम के टाइम बंद कर देते हैं चेयर लिफ्ट, तो हम लेट हो गए थे गाड़ी के लिए। मुझे यहाँ एक साहब बता रहे हैं कि ये पिछले 1.5-2 साल से बंद है। अच्छा, नहीं 1.5-2 साल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम आए थे अरे बंद है और ये चल नहीं रही, और इसके चलने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है इंतजामिया से। TDCP के अंडर है ना, टूरिज्म डेवलपमेंट के अंडर है, तो 1.5-1.5 साल से मैंने बंद की हुई है, तो इंतजामिया ने रिक्वेस्ट की हुई है कि इसको चलाया जाए ताकि तफरी के मकाम जाना उसमें ज़्यादा मज़ा आ सके, लोग इन्जॉय करें। लेकिन फिर भी हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत ज़बरदस्त है और जगह जगह पे वो आके ठिए बने हैं, हम चाय पियेंगे, मज़े करेंगे, अल्लाह गुल्ला करेंगे। अच्छा, ये मेरा भाई सुल्तान जो है ना, लाडला शहजादा, मुझे इसने पता नहीं मेरी रगें पकड़ी हुई है, जो ही मैं सोचता हूँ कि यार चाय होनी चाहिए, ये फ़ौरन कह देता है जी चाय पियेंगे, इन्जॉय करेंगे। चल, चाय का ऑर्डर दे दिया हमारे, ऑर्डर दिए चाय का, और हम लोग इधर खड़े हैं चाय। आपने मतलब है आज का बजट जो है आर्टिस्टों पर डाल दिया, यही बात है। चले जी, चांद भाई से चाय पीते हैं, कुछ दोस्त ऊपर खड़े हैं उनको भी मैं आपको दिखा दूं, फिर चाय पीते हैं जी, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे फ्रेंड्स में से कोई रह ना जाए कि जिसकी वीडियो ना बन सकी हो, फिर कोई हमारा दोस्त ये ना कहे कि जी बाबा जी आपने वीडियो नहीं बनाई, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सब की बनाए।
अंदर की चर्च से सूटे लुआ रहे हो छुप के, ड्रेस चेक कर रहे हैं। ये ड्रेस ले रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत ड्रेस है यहाँ पे, देखे जरा। एक सेकंड, इनकी दुकान का नाम खरीदो फरोख्त होने चाहिए। ये जनाब ड्रेस हमारी गुड़िया ने देखे है, इसको पसंद आए हैं। ये आजकल अर्तुगल और वो मशहूर है उस्मान गाजी, तो ये बेसिकली वही कल्चरल ड्रेस है जैसा कि वो। और मैं एज ए कल्चरल डिज़ाइनर भी हूँ, तो जिस वाले से मैं इनको परचेज करता हूँ और आगे अपने। तो ये जी भाई जो बेच रहे हैं वो किधर है ये जी? सामने भाई, ज़रा सर सामने आए ना हमारे। मेरा ख्याल है भाई मेरा पठान है ना, पख्तून है ना। समरकाल शेदे दलता लाहौर वाले ये मेरा भाई जी, तो आपको पता है मैं पेड़ नहीं हूँ, ये मेरा पठान भाई है। थोड़ी सी पश्तो में गप शप इसलिए लगाता हूँ कि हमारे जो पठान भाई होते हैं उनको भी पता लग जाता है। तो इसकी भी यहाँ पर ये जी चेयर लिफ्ट की जो बेस है यहाँ पर मौजूद है, तो ये आप इनसे भी शॉपिंग कर सकते हैं। पैक माहौल ते मीठे चौल, कुछ भी ना होता हम भी ना होते तू भी ना होते जी। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, मजा आ रहा है जी। बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम हमारी बहुत जिंदा दिल है जी, और हमें इसीलिए अच्छी लगती है कि ये क्या कहते हैं कि हम आर्टिस्ट लोग जो है जंगल में मंगल कर देते हैं। तो ये देखिए अभी इस ठंड में भी ये इंजॉय कर रही है, तो बाद लोग इस वक्त पंजाब में कराची में लिहाफों में हीटर के सामने। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए ज़रूर, और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ज़बरदस्त जी, नमाज भी पढ़नी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। आप बच्चे बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, सर्दी का मजा भी अच्छे हैं, और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है, सब घुल मिल के एक दूसरे के साथ फैमिलीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा सारा माहौल जी, जो हमारे जितने भी ट्रिप आते हैं, और फैमिली ट्रिप जो होता है ना जी, उसका मतलब ही यही होता है। हम आर्टिस्ट हैं, कुछ मीडिया से लोग होते हैं, इस तरह सारे शो भी मीडिया के लोग होते हैं, तो ये सब जब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हम बिल्कुल फैमिली की तरह इंजॉय करते हैं जी, क्योंकि हम सारे होते ही एक फैमिली है। इस वक्त रात हो गई और जनाब बंद हो गया, और ये मेरे सारे प्यारे प्यारे सेफ जी, प्यारे प्यारे भाई छोटे शाहजी ग्रुप ही मैं इनको कहूँगा, तो ये सारे मौजूद हैं जनाब। मैंने मिस तारिक, मैं तारिक हूँ और मैं फोटोग्राफर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि लगा है टूर पे आए हैं, बहुत यानी कि फ्रेंड्स वगैरह सब फ्रेंड्स हैं, बहुत मज़ा आया। ये हमारे भाई शाहजी हैं, इनके साथ आए हैं। बिस्मिल्लाह जी, क्या आला जी, सब ठीक है जी? माई नेम इज़ सैयद एहसान अली, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है, आज हम आए हुए हैं मरी, ठीक है, सारे भाइयों के साथ आए हुए हैं, ठीक है, टू बसेस करके आए हुए हैं, और काफ़ी इंजॉय किया है मरी, और काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ का। बस मैं तो कैसे आया हूँ, बड़ा पुख्तों की खबरों का खैर देना दलता शिकार के सैर कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। जी जी। आप पाकिस्तान में और दुनिया में लोगों को क्या पैगाम दोगे? के पी के लोग कहते हैं दहशत गर्द हैं और मारते हैं, आप मैसेज दें ना जरा। बस ये तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो के पी के विज़िट करें, ठीक है, वो तमन्ना है के पी के में, जैसे हम सब इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि हम देखो पंजाब में पंजाबियों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह इंशाल्लाह वो लोग भी इंजॉय करेंगे, हमारे साथ इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, और पंजाबियों को भी जी कहते हैं, और ये बेटा मुझे बड़ी देर से कह रहा है नात सुनाऊं, चलो बेटा सुना दो आपकी। को जो बने जन्नत से कुछ ये
बहुत शुक्रिया बच्चे। बच्चा जी मुझे काफ़ी देर से कह रहा था मैंने नाच सुनानी है, यहाँ के मकामी बच्चे हैं जी, इनका बेसिकली ये तरीका होता है कि ये इस तरह से किसी को नाच सुनाते हैं, कोई माइये गाना सुनाते हैं तो लोग इनको खुशी से कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो इनकी भी फैमिलीज़ का रिजक और रोज़गार चलता रहता है। जैसे कहते होते हैं ना कि ये जो छोटे होते हैं ये घर के बड़े होते हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ लाजमी खरीदना चाहिए। तो लो जी मैंने आपको बहुत आज डिटेल से इतना दिखा दिया है कि मेरा ख्याल है मैं तो थक गया हूँ, यकीनन आप भी थक गए होंगे, और अब हम चाय पीते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। आप जब हम रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो आप गायब हो जाती हो। अब देखें जी व्यूअर्स, मैंने रावलपिंडी से लेके यहाँ तक आपको हर जगह सारे बंदे दिखाए और ये एंड में आके गिला करती है कि आप मुझे भूल गए हैं। देखें अभी मैं दिखा रहा हूँ इस मॉडल को, गौर से देखें जी, जरा कैट वॉक करके दिखाओ लोगों को थोड़ी सी, चलो कर दो थोड़ी सी। ये ले जनाब, ये हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल है जी, और अक्सर ऐसा होता है कि बिखर जाते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं। कोई मैसेज देना चाहो, अभी मैसेज दो ना, सोई हुई थी मेरे ऊपर, बताओ। बहुत मजा आया और नींद का तो उससे ज्यादा ही आया, ज्यादा मजा नींद का। और लोगों को क्या पैगाम देना चाहो? लोगों को आप ही आए ज्वाइन करें नदीन मजा की, बहुत ज्वाइन करें, इस ट्रिप का मजा आता है, बहुत ज्यादा आता है मजा। और मॉडलिंग में क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या बनना है? एक्टर और मॉडल, अभी सिंगिंग भी स्टार्ट करनी है, तीनों चीजें साथ। सिंगिंग आती भी है कि नहीं? आती है। जरा सा कुछ सुना दो अभी, जब केक कटिंग होगी तब जरा सा अभी सुनाओ ना, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी कुछ आ चुकी है। हां जी चल जी, वो कह रही है जी कि अभी जब केक काटेंगे, नदीम रजा की आज बर्थडे भी है, जो हमारे प्यारे से वाइट ट्रिप लेके आए हैं, तो जब केक काटेंगे तो फिर वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ साथ रहे, बस अब आखिरी लम्हात है, चाय पियेंगे, उसके बाद जनाब हम जो है क्या कहते हैं उसको, आपको केक कटिंग दिखाएंगे और एंजॉय करें। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ मरी माल, और आपको ये जो मंजर दिखा रहा हूँ मरी माल, बड़ी सख्त सर्दी बस। इस वक्त मैं आपको मरी माल रोड दिखा रहा हूँ जी, बड़ा खूबसूरत सा जनाब ये मनाजर आप देख रहे हैं, हमारी सारी टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है। आज हम अभी माल रोड मरी पे, अभी हम नतीजे के लिए गए तो वापस आए हैं, पूरी टीम हमारी वापस आई है, तो हमारा एक ज़्यादा नजीब बर्थडे पार्टी भी है, लिहाजा हमने माल रोड की सैर करनी थी, आप इसलिए लेके आए हैं कि आपको दिखाएं। और जो माल रोड देखा होगा, अगर इस सीज़न में देख रहे हैं दिसंबर में, ये पोजिशन है मौसम की, दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्ट में स्नो फॉलिंग होगी, बहुत सारी स्नो फॉलिंग हुई है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ 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 फ्रेंड्स, इस वक्त हम ले रहे हैं मरी के ठंडी ठार हवा के मज़े, और सुल्तान भाई मेरे साथ, आपको पता है हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं, आज भी थोड़ा सा आगे तक चलते हैं ना जी, थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाने के लिए बात कर रहे हैं जी, और बल्कि आपको हम जरा सा एक और भी सेगमेंट दिखाएंगे, हमारे दोस्त जो है नदीम, उनकी बर्थडे है, तो वो मरी में हमने मनानी है, एक तो होटल के अंदर जो है वो इसका कर रहे हैं काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर यहीं रुकते हैं ताकि सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएं। हाँ मेन चौक में इस वक्त मौजूद है जी, और मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं भी बात करूँ और आपको भी ज़रा सा शैक माहौल दिखाएँ, आप भी क्या करो ज़रा सा माल उड़ाएँ, तो ये थोड़ा सा सुल्तान भाई आगे से चक्कर लगाएँ, क्या कहते हैं ये ज़रा सा हम लोग, ये दिसंबर 4 दिसंबर है आज 2022 की, तो आप देखें 4 दिसंबर 2022 में मरी के माल रोड पे क्या सीन है,
रहा है क्या इन्वायरमेंट चल रहा है। बस थोड़े दिन बाद स्नो फॉलिंग होगी तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, बहुत लोग दुनिया दूर दूर से आती है। हमारे ट्रिप भी बहुत से लोग मुल्तान से, फैसलाबाद से, लाहौर से, सियालकोट से, गुजरावाला से, झेलम से, पेशावर से, KPK से, दारा से, बड़े दूर दूर से लोग आए कश्मीर से आए, तो वो लोग साथ हमारे देखें दूसरे शहर वो इन्जॉय करें। मरी का मौसम, मरी का मौसम बिल्कुल चेंज है, जैसे मरी है पाकिस्तान है, पाकिस्तान है मरी, मरी का मज़ेदार सा मौसम है। और हम दोनों भाई हमने क्या ज़रा सा थोड़ा घूमे फिरे, सैर करें, थोड़ा सा टांगे सीधी करें, गाड़ी में भी बैठ बैठ के थक गए। और आज जो व्लॉग हमने बनाया वो आपने देखा, तो ये हमारे सारे अस्सलाम वालेकुम, हमारे सारे शहजादे इधर ही हैं, इधर आ जाएं वीडियो में भाई। ये प्यारे प्यारे भाई हम सब लोग इकट्ठे थे, आज हम सैर कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। ये भी भाई हमारे बहुत इंजॉय किया जी, मज़ा आया जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। चले जी आगे, बस नदीम भाई का केक कट करना है, बस उसी का हम भी इंतजार कर रहे हैं जी। काम पे कट करना है किस जगह पे? चले थोड़ा सा जी, हम बता रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे थे। और आज के व्लॉग के मुताबिक भी मैंने आपको बताना था कि ये व्लॉग आज आपने देखा, अभी हम मज़ीद आपको इसकी थोड़ी सी वीडियो और दिखाएँगे, केक कटेंगे और उसके बाद फिर इसको पैक करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने का आपको थोड़ी सी माल रोड की सैल भी करा दें, तो ये कुछ थोड़ा सा हम चल के आए हैं। लेकिन फिर इस तरह होगा कि दो गाड़ियों के हम सारे टीमें आई हुई हैं, दो गाड़ियां हैं हमारे पास, तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से वापस होंगे। ये मेरे बैग में जनाब आप कुछ मंजर देखें ना, कितना प्यारा सा होगा, ये देखें दिन का समा है, सर्दी की वजह से इतना रश तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर बर्फ़बारी हुई तो फिर रश बढ़ जाएगा। और फिर वही बात है कि जो लोग बर्फ़बारी में आते हैं वो मुकम्मल केयर के साथ आएँ और इस डिविजन में आएँ कि आगे जो यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल हो रही होती है उसके साथ कनेक्ट में रहें, रास्ते में रहें और उनकी जो डायरेक्शन होती है उनको फॉलो करके आएँ, ताकि ऐसा ना हो फिर हम ख़राब हो आप और हम लोग। देखिए गाड़ियाँ जो है आगे चेयर लिफ्ट पर जाती हैं ना, यहाँ से रियाजी चौक है ना, आगे मॉल रोड पर अगर GPO से आगे आएँ तो फिर यहाँ से गाड़ी ये इसको आगे जाती है। अच्छा तो ये जी आप चूँकि रात हो गई, ज़ाहिर है ये बंद है इस वजह से, तो हम जो है थोड़ा सा हमने कहा चले आपको थोड़ा सा माल रोड का व्यू भी दिखा दें, तो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें हमारा चैनल BFU TV। और इसके अलावा ये जो वीडियोज़ हैं मेरी वही है सुल्तान भाई की, आपको पता है हमारे दो चैनल हैं, सात रंग TV भी है और आप ये वीडियो सात रंग TV पर भी मिलेंगे, तो आप अभी इसको देख सकते हैं। अब आपको फील हो रहा होगा हमने जैकेटें पहनी हुई हैं और कैप्स पहनी हुई हैं, तो यहाँ पर बाकी बहुत ज़्यादा ठंड है। चले फिर हमारे साथ इंजॉय करते रहे। तो अभी जो है तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ये केक कटिंग करते हैं, नदीम की बर्थडे वो भी दिखाते हैं। ये इसके चौंक के बीच खिड़कियों के बाहर वो और इससे गपशप करते हैं, रिंग लाइट गपशप करते हैं, ये काम करते हैं सब एक साथ, एक साथ सब एक साथ। इस पर बस वो देख पहुंच के वो मरहबा मरहबा अपने प्रोग्राम चैनल चैनल देंगे ना जी, क्या छुरी दे दे बाबा जी, छुरी दे भाई, छुरी दे दे छुरी।
अमली तौर पे मेरे भाई ने बैलून लगाए तैयार किया, ये अचानक कैसे किया जी जरा बताओ ना। सर ये बस हाथ का फन है, काफी टाइम हो गया इस काम में, प्रोफेशनल है, 9-10 साल हो गए काम करते हुए, इसलिए हमने वीडियो बना रहा हूँ। ये बर्निंग सबका बहुत शुक्रिया। सबका बहुत शुक्रिया, आप और भी इंजॉय किया। नदीम की बर्थडे थी आपने देख ली, और नदीम को भी आज इसकी बर्थडे बेस्ट विशेस करता है। तो आज मैं अपना व्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और चलते चलते जनाब मेरी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना चैनल BFETV आपने देखना भी है, सब्सक्राइब करना है। आज के व्लॉग के बारे में आप मुझे बैकअप देनी है लाजमी, और अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। ये गुब्बारे पड़े जा रहे हैं जी, आप देखें, और इन्हीं प्लास्टिक के साथ दे इजाज़त।